किसी से प्यार से रोके उनको। आजकल तो मर्दों ने कड़े ये फ्रेंडशिप है ना, ये वो राखी की एक इज्जत है, ये मंगलसूत्र है, ठीक है, प्यार से रोको लोगों को। क्योंकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी, एक मर्द ने कड़ा पहना हुआ था, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे इसके सपोर्ट कर दे। मुझे दर्द की तकलीफ है, मैंने ये कब कहना, आपने फरमाया ये बीमारी है, बीमारी इसको उतारो। देखो शैतान अपने काम लगा हुआ है, हम भी अपना काम शुरू करें। अगर हम ये कहेंगे ना कि यार सानू की है असी तो सही है ना, एक सुन की हदीस है अब दूसरे साथी का मुझे नाम नहीं याद, इस तरह बात कर रहे हैं कि यार इस तरह है, चलो शुक्र है हम तो बचे गए ना। अब ने फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, नेकोकारों की बस्ती, गौर से सुन लो, नेकोकारों की बस्ती उसमें एक बदल आदमी, एक गुनाहगार आदमी, शैतान में तकलीफ हुई है उसमें तो दुख जहाँ की बात समझ में आए, नेकोकारों की बस्ती और एक उसमें बद, अगर उसके गुनाह की वजह से उस बस्ती पर अजाब आएगा तो उस बस्ती के दरख्त के ऊपर घोंसले जो परिंदों के हैं वो भी उस अजाब से नहीं बचेंगे। हर बंदे को चाहिए कि वो बुराई को देखे, उसको अच्छे अंदाज से रोके। बंदे जितने से नहीं बचे तो बल्ले वन नहीं गुजर आया अपनी बात, अपने आप 10 बंदों को रोजाना मिलते हैं, सिगरेट पीने वाले को उसको प्यार से समझाए, फिल्म देखने वाले को उसको समझाए, टखने नंगे नहीं रखता उसको समझाए, ये बहुत बड़े गुनाहों में से गुनाह है। और आपका कहना आपको अजर मिल जाएगा, उसका ना करना वो गुनाह है, अल्लाह तो आपको अजर देगा ना।